तो हेलो दोस्तों, ओरिजिनल टेक टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्त, अगर आप पता करना चाहते हैं कि आपके एकामा का फीस कितना रियाल है, आप जानना चाहते हैं कि एक महीने का एकामा कितने रियाल में बनता है, तो आप बहुत ही इजी तरीके से अपने मोबाइल फोन से पता कर सकते हो कि आपके एकामे का एक महीने का फीस कितना रियाल है। तो दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको एकामा फीस चेक करने का तरीका बताऊंगा। दोस्त, कभी कभी कंपनी आपके साथ बेईमानी करती है, आपका एकामा का फीस 500 रियाल होता है तो कंपनी सीधा 600 बताती है। तो ऐसे में आप अपने एकामे का फीस चेक करके कंपनी को दिखला सकते हो कि मेरे एकामे का फीस 600 नहीं, सिर्फ 500 है। तो चलिए दोस्त, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्त, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फाइनली दोस्त, मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्त, जानते हैं एकामा फीस चेक करने का तरीका। तो दोस्त, एकामा फीस चेक करने के लिए आपके पास कोई भी एक नेट बैंकिंग वाला एप्लीकेशन होना चाहिए, जैसे कि अलराजी हुआ, यूअर पे हुआ, क्विक पे हुआ, SNB हुआ, यानी कोई भी एक एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। फिलहाल के लिए दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको यूअर पे से एकामा फीस चेक करने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्त, आपको अपना यूअर पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्त, आपको अपने फिंगरप्रिंट या पासकोड से इसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्त, आपको ऊपर की तरफ सरकाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा गवर्नमेंट सर्विस, तो इसके ऊपर ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है कैटेगरी, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ दूसरे नंबर पे लिखा है रेसिडेंट सर्विस, तो इसके ऊपर ही क्लिक करना है। अब दोस्त, यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब नीचे लिखा है सर्विस टाइप, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ओके दोस्त, तो यहाँ तीसरे नंबर पे लिखा है रिन्यू एकामा, तो इसके ऊपर ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्त, ये थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, लोडिंग हो जाने दो, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा है एकामा आईडी, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपना एकामा नंबर डाल देना है। तो चलिए फटाफट मैं एकामा नंबर डाल लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। तो दोस्त, मैंने एकामा नंबर डाल दिया। अब नीचे लिखा है एकामा ड्यूरेशन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त, आप कितने दिन का पता करना चाहते हैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। फिलहाल के लिए मैं 12 महीने वाला सिलेक्ट करता हूं, तो 12 महीने पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्त, फिर से नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त, अब यहाँ पे आपके एकामे का पूरा डिटेल शो हो जाएगा। ओके दोस्त, यहाँ पे फीस देख सकते हो 650 रियाल, यहाँ पे देख सकते हो लाइफ ग्रुप में, यानी 12 महीने का एकामा 650 रियाल है।
दोस्त ये हर आदमी का सेम नहीं होता है। अगर आपके कपिल के पास ज़्यादा आदमी है तो आपके एकामे का फीस कम लगेगा। अगर आपके कपिल के सिर्फ एक दो आदमी है तो उनका ज़्यादा लगता है। ओके दोस्त, तो दोस्त इसी तरह से आप अपने एकामा का फीस चेक कर सकते हो। तो दोस्त इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।